केदार घाटी में आई आपदा के कारण हुए नुकसान और राहत बचाव कार्यों का जायजा लेने मुख्यमंत्री पहुंचे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द जनजीवन सामान्य बनाने के निर्देश भी दिए। क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवरुद्ध हुए पैदल यात्रा मार्ग को तत्परता से दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने तुरंत यहाँ पर मशीनों से कार्य शुरू करवा दिया है। अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग निर्भय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सोनप्रयाग एवं गौरीकुंड के बीच क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के लिए काम किया जा रहा है। इसके साथ ही केदारनाथ पैदल मार्ग पर लगभग 15 स्थान ऐसे हैं जहां पैदल रास्ते पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। केदारनाथ धाम से छोटी लिंचोली तक क्षतिग्रस्त पैदल यात्रा मार्ग को आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट।